ओके, सो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट कब होगी, और फिर अगर एग्जैक्ट है तो उसका सॉल्यूशन कैसे होगा। ठीक है, तो हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका जो फॉर्मेट था आपका वो इस टाइप से कुछ था, सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0। ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन थी, और इसकी एग्जैक्टनेस की बात कर रहे थे, तो ये एग्जैक्ट आपकी कब हो रही थी, इज एग्जैक्ट इफ डेल एम अपॉन में डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन में डेल एक्स। अगर ये आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो ये जो आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आपकी एग्जैक्ट हो जाएगी, और एग्जैक्ट हो जाएगी तो इसका सोल्यूशन क्या था, आपका जो सोल्यूशन था वो था इंटीग्रेशन ऑफ एम प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन। तो एम का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे वाई को एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे, एज ए कॉन्स्टेंट, और एन के वही टर्म्स लेंगे जो एक्स से फ्री होंगे, तो इसमें आपके वो टर्म्स आ जाएंगे जो फ्री हैं, फ्री फ्रॉम एक्स। ठीक है, इनका इंटीग्रेशन करके इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट कर देंगे तो ये आपका इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हो जाएगा, कब, जब आपकी ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एग्जैक्ट है। ठीक है, अब हम स्टडी करेंगे कि आपका जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट नहीं है, उस केस में हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि उस केस में आपका ये जो मेथड हमने जो अभी देखा है ये आपका एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, तो एग्जैक्ट कब नहीं होगी आपकी, अगर आपके डेल एम अपॉन डेल वाई इज नॉट इक्वल टू डेल एन अपॉन में डेल एक्स, अगर आपका ये कंडीशन होता है तब आपकी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट नहीं होगी। तो अब अगर एग्जैक्ट नहीं है तो हम इसको एग्जैक्ट बना सकते हैं, अब वो एग्जैक्ट कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। तो एग्जैक्ट बनाने के लिए आपका सपोज इसको मैं कुछ स्टार नाम दे रही हूं, ठीक है, तो अगर ये जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एग्जैक्ट नहीं है तो इसको हम एग्जैक्ट बना सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई मीन्स आप इस स्टार में फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई का जो भी फंक्शन है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आपकी एग्जैक्ट बन जाएगी। अब जिस फंक्शन से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो दिस मल्टीप्लायर फंक्शन इज कॉल्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, और इसको इन शॉर्ट हम आई एफ से भी डिनोट करेंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट केसेस होंगे, मीन्स आपके एम पे या एन पे कुछ कुछ कंडीशंस होंगी, हर एक केस में आपके इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स अलग अलग होंगे, किसी भी जैसे कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी है तो उसके पास में इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप लोग बोल रहे हैं कि इसका ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो वो उसका यूनिक ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कोई जनरल मेथड तो है नहीं इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने का, तो हम थोड़ा केस बना के देख सकते हैं कि अगर ऐसा आपके पास में होता है तो उसका फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा। ठीक है, तो हम 1 बाई 1 चलते हैं, तो सबसे पहले हम केस नंबर 1 लेते हैं। तो इस केस में हम कौन से बात करेंगे, अगर आपकी ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है मीन्स एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, अगर ये आपकी होमोजीनियस हो जाए, इज होमोजीनियस, और होमोजीनियस हमने बात किया हुआ है कि होमोजीनियस कब होता है कोई भी फंक्शन, अगर एफ एक्स कोमा वाई को आप होमोजीनियस बोल रहे हैं तो अगर आपका ये एक्स टू द पावर एन समथिंग फाई वाई बाई एक्स का अगर फंक्शन हो जाता है, इस फंक्शन को हम बोल देते हैं होमोजीनियस। तो यहाँ पे होमोजीनियस कहने का मतलब है आपका जो एम और ये एन दोनों आपके होमोजीनियस होना चाहिए, अगर ऐसा आपके पास में होता है तो इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो आपका कैसे निकलेगा, 1 अपॉन में एम एक्स प्लस एन वाई। ठीक है,
और यहाँ पे ऑब्वियस है कि हम 1/mx + ny की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे mx + ny जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज इसको मैंने स्टार नाम दे दिया, तो स्टार को अगर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद ये आपका जो है एग्जैक्ट बन जाएगा। और एग्जैक्ट बनने के बाद में तो आपको सॉल्यूशन पता है कि किस टाइप से आपको सॉल्व करना है, जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है। ठीक है, ओके, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। तो सपोज आपके पास में x²y - 2xy² dx - x³ - 3x²y (dy = 0) ठीक है, तो एक बार आप इसको ट्राई करिए, उसके बाद मैं करवाती हूँ। यहाँ पे आपको क्या चेक करना है कि m और n दोनों होमोजीनियस फंक्शन है। अगर होमोजीनियस फंक्शन है तो आप यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर चेक करेंगे, और इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद में आपका ये गिवन इक्वेशन है ये आपका एग्जैक्ट होना चाहिए। तो हमने होमोजीनियस भी पढ़ाया हुआ है, तो आप लोग एक बार इसको ट्राई करिए। इस केस को देखते हुए हम इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा कि हमारा जो m और जो n है वो आपका होमोजीनियस होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा m क्या है। m है आपका x²y - 2xy². ठीक है, तो होमोजीनियस होने के लिए आपको इस फॉर्मेट में होना चाहिए ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x³ हम लोग यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, तो आपका ये हो जाएगा y/(x-2y²)/(x²). तो इसको हम x³ फंक्शन ऑफ y/(x) लिख दिया, और n आपका हो गया -(x³ - 3x²y). ठीक है, यहां से भी आप x³ ले सकते हैं। तो x³ कॉमन लिया तो 1 - 3y/(x), तो इसको भी आप x³ फंक्शन ऑफ y/(x) लिख दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि m और n दोनों ही आपके होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 3, राइट। तो हम इस केस में आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हमने अभी देखा है कि 1/mx + ny होगा, तो ये वाला चीज हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली आप mx + ny पहले देखिए। ओके, सो mx + ny आपका हो जाएगा, ये जो m है इसमें x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा x³y - 2x²y² + n times y, तो इसमें y को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस टाइम्स है, तो -(y³ - 3x²y² माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे भी अगर आप माइनस अंदर ले जाएंगे तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये आपका सॉल्व होके क्या आया, x³y, यहाँ से ये कैंसल आउट हो गया और 3 में 2 गया x²y². तो यहाँ से आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x²y². ठीक है, तो अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से आप जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका एग्जैक्ट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो m था m dx + n dy, ये आपका था x²y - 2xy² dx - x³ - 3x²y (dy). तो इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका 1/x²y² है। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका ये आ गया 1/y - यहाँ पे y² से y² 2/x dx, ओके, माइनस ये आपका होल में होगा, और इसमें करेंगे आप तो आपका हो जाएगा x/y² - 3 x² से x² कैंसिल, और ये आपका हो गया y, ओके, इक्वल टू 0।
अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका m ये है और n ये है। अब आपका ये एग्जैक्टनेस को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो m है उसको y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करिए। तो इसको हम करेंगे डेल m अपॉन में डेल y, तो ये आपका हो जाएगा -1/y² और ये तो x का फंक्शन है तो ये तो 0 ही हो जाएगा। फिर n का करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये तो 0 हो गया और ये आपका -1/y². तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स है ये दोनों इक्वल आ गए हैं, तो हमारी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट बन गई। अब एग्जैक्ट हो गई तो हम इसमें जो एग्जैक्ट वाला सॉल्यूशन का मेथड होता है वो अप्लाई कर सकते हैं और हमारा सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका यही मेथड। तो आपको यहाँ पे जो मेनली चेक करना होगा वो क्या करना होगा कि जो आपके एम और एन जो है वो होमोजीनियस फंक्शन होने चाहिए ऑफ सेम डिग्री। हमने यहाँ पे देखा था कि दोनों ही आपके 3 डिग्री के होमोजीनियस फंक्शन हो रहे थे। ये इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए और इसको आप चेक करिए कि सबसे पहले तो आपको एम और एन आपके होमोजीनियस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अगर हो रहे हैं तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, और फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका क्या ये एग्जैक्ट बन रहा है, एग्जैक्ट बन रहा है तो फिर इसका सॉल्यूशन। ठीक है, सो नेक्स्ट केस हमारा केस नंबर 2। इस केस में आपका क्या होगा, अगर आपका जो एम एक्स कोमा वाई डी एक्स प्लस एन एक्स कोमा वाई डी वाई इक्वल टू 0, आपको ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, तो अगर हम यहाँ पे जो एम है इसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर पाए, वाई टाइम्स सम फंक्शन ऑफ एक्स इंटू वाई डी एक्स प्लस इस एन को एक्स टाइम्स सम फंक्शन ऑफ एक्स इंटू वाई, अगर इस टाइप से इस इक्वेशन को हम लोग एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो आपका हो जाएगा 1 अपॉन में एम एक्स माइनस एन वाई, और ऑब्वियसली है कि आपका जो यहाँ पे एम एक्स माइनस एन वाई जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए, एम एक्स माइनस एन वाई नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपका जो गिवन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको अगर हम इस फॉर्मेट में अप्लाई कर पा रहे हैं तो आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो हो जाएगा 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई। ठीक है, ओके, अभी से रिलेटेड एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस टाइप से आपका ये वर्कआउट करेगा। एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं वाई प्लस एक्स वाई स्क्वेयर डी एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर वाई डी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो अभी हमने जो केस पढ़ा उसके लिए आपको क्या देखना है कि जो m है उसको y इंटू सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई हमें लिखना एक्सप्रेस होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको y कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि y इंटू हम लिख रहे हैं। ठीक है, वाई ले लिया, अब यहाँ पे आपके पास क्या बच गया, 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, और एन में हमें एक्स कॉमन चाहिए, एक्स कॉमन ले लिया तो बच गया 1 माइनस एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाई इंटू सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई हो गया क्योंकि ये आपका 1 प्लस एक्स वाई है, तो ये एक्स वाई का फंक्शन हो गया और एन आपका हो गया एक्स इंटू सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो हम इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। तो यहां से आपका ये वाला केस जो है वो अप्लाई हो जाएगा, तो आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन mx माइनस ny। अब mx माइनस ny आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए, m में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस n में y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा ये एक्स वाई ऑन माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं ये चीज कैंसिल आउट होगी और ये आपका कैलकुलेट हो गया 1 अपॉन 2x² y² तो ये आपका यहाँ पे इस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आप इस अगर मैं इसको स्टार नाम दे देती हूँ तो इस स्टार इक्वेशन में आप मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो गिवन स्टार इक्वेशन है ये आपकी एग्जैक्ट बन जाएगी। ठीक है, और एग्जैक्ट बन जाएगी उसके बाद में हम एग्जैक्ट वाला मेथड अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो ये आपका इस केस में जब आपके पास में
एम को हम वाई इंटू समथिंग फंक्शन ऑफ एक्स वाई, और एन को एक्स इंटू समथिंग फंक्शन ऑफ एक्स वाई अगर हम लोग लिख पा रहे हैं, उस केस में आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो हो जाएगा 1 अपॉन mx माइनस ny। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर आपको एक बार मिल गया तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं बाई मेथड ऑफ एग्जैक्ट वाले से। ओके ठीक है, नेक्स्ट आपका जो आता है कि केस जो आता है आपका, तो वो केस आता है कि अगर आपके पास में डेल एम अपॉन में डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन में डेल एक्स अपॉन में एन, अगर ये समथिंग फंक्शन ऑफ एक्स आता है ओनली एक्स, ठीक है, तो हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन ऑफ एक्स। तो अब आप यहाँ पे देखना, इसके इस टाइप के दो केसेस होंगे। सबसे पहले हमने देखा कि डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन में डेल एक्स, ये निकाल लिया। इसके बाद इसको n से डिवाइड करने पे सिर्फ फंक्शन ऑफ x हमें मिल रहा है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फंक्शन हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ फाई एक्स। और इसी में एक केस और आ जाता है, यहीं पे मैं दोनों लिख देती हूँ। उसमें आपको क्या करना है कि इसे डेल m अपॉन में डेल y माइनस डेल n अपॉन में डेल x। अब यहाँ पे हम m से डिवाइड करके देखेंगे, और m से डिवाइड करने पे ये आपका फंक्शन होना चाहिए ओनली y का, तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हो जाएगा वो e टू द पावर इंटीग्रेशन दिस फंक्शन ऑफ y हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे पहचानेंगे कि ये तो याद ही नहीं रहता है कि n से डिवाइड करने पे और m से डिवाइड करने पे, तो ऐसे कोई मेथड तो नहीं है, पर हम लोग थोड़ा सा ट्रिक लगा के कर सकते हैं कि आपका जो n है वो किसके पास आता है। अगर इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हम लिखें तो m dx प्लस n dy इक्वल टू जीरो, तो dy वाले के साथ जो फंक्शन n आ रहा है उससे डिवाइड करेंगे तो हमें y छोड़ के सिर्फ x का फंक्शन मिलना चाहिए, और अगर dx वाले फंक्शन m से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें सिर्फ फंक्शन मिलना चाहिए y का। ठीक है, इसके बाद तो सिंपल है, दोनों में इंटीग्रेशन फैक्टर जो आ रहा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो आपका e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है, इतना ही करना है। तो इसका भी एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। ओके सो एग्जांपल हम लोग देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स डीएक्स प्लस एक्स वाई डीवाई इक्वल टू जीरो, ये आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, डेल एम अपॉन में डेल वाई निकालो, डेल एन अपॉन में डेल एस डेल एक्स निकालो और इनको माइनस कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वाई के रिस्पेक्ट में एम का डेरिवेटिव करेंगे तो आपका टू वाई हो गया, बाकी तो एक्स के फंक्शन है, माइनस इसमें एक्स से करोगे तो आपका आ गया वाई, तो ये आपका कैलकुलेट हो गया वाई, और ये आपका जो कैलकुलेट हो गया आ गया डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स आपका वाई आ गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप इस एन से तो डिवाइड करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, वाई अपॉन में एक्स वाई कट के सिर्फ वन बाई एक्स, यहाँ पे ही आपका ओनली फंक्शन ऑफ एक्स आ गया। ठीक है, अगर हम इस एम से डिवाइड करें, सपोज वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में एक्स, ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप डिवाइड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ना तो ये ओनली एक्स का ही फंक्शन आएगा ना ओनली वाई का ही फंक्शन आएगा। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है कि एम से डिवाइड करना है या एन से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे दोनों को चेक कर लो। पहले हमने एन से डिवाइड कर दिया तो हमारा ओनली एक्स का फंक्शन आ गया, बट हमने एम से डिवाइड करा तो ना तो हमारा एक्स का ही आ रहा है ना तो वाई का ही आ रहा है, तो इस वाला केस लेंगे नहीं हम, तो ये वाला केस हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा वो आपका ए टू द पावर इंटीग्रेशन वन बाई एक्स हो जाएगा, और इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा वो एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब इस एक्स से हम मल्टीप्लाई कर देंगे गिवन इक्वेशन में, और हम देखेंगे कि वो जो आपका है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है। हमने जो केस सेकंड किया था
उसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे नोट डाउन करवा देती हूँ, आप लोग उसको सॉल्व करना। तो आपका क्वेश्चन है एक्स वाई क्यू प्लस वाई इंटू डी एक्स प्लस टू टाइम्स एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वाई की पावर फोर डी वाई इक्वल टू जीरो। तो इसमें आप लोग चेक करेंगे कि आपका डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स को या तो एन से डिवाइड करें या तो एम से डिवाइड करने पे आपका किसका फंक्शन आ रहा है, कौन सा केस आपका अप्लाई हो रहा है, ठीक है। और अप्लाई करने के बाद में आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, राइट। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे। सो नेक्स्ट आपका जो केस आता है वो आपका आता है केस नंबर हम शायद फोर्थ पे हैं। तो इसमें है कि अगर आप जो आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है एम एक्स एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो, अगर हम इसको एक फॉर्मेट है तो वो फॉर्मेट क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। एक्स टू द पावर ए वाई टू द पावर बी इन टू एम डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई, यहाँ पे आपका एम वाई भी है, प्लस एक्स टू द पावर आर इंटू वाई टू द पावर एस इंटू एम वन वाई डी एक्स प्लस एन वन एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अगर आप गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिख पा रहे हैं तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो आपका हो जाएगा एक्स टू द पावर एच इंटू वाई टू द पावर के। अब ये एच और के हम कैसे निकालेंगे, तो आपका एच और के निकालने के लिए आपको दो इक्वेशंस को सोल्व करना पड़ेगा। तो वो इक्वेशंस आपकी क्या है, ए प्लस एच प्लस वन अपॉन में एम इज इक्वल टू बी प्लस के प्लस वन अपॉन में एन। तो ए और बी आपके क्या है, इसमें ए एक्स और वाई की जो पावर्स हैं फर्स्ट जो ये वाला जो चीज है, और एम और एन इनके डी एक्स और डी वाई के साथ में जो कॉन्स्टेंट आ रहे हैं वो है, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना है। और सिमिलरली ये जो सेकेंड वाला जो है आपका, तो यहां से आप देख सकते हैं सेम इसका प्रोसीजर अगर हम लोग फॉलो करें तो आर प्लस एच प्लस वन डिवाइडेड बाई एम वन इक्वल टू एस प्लस के प्लस वन अपॉन में एन वन। जब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो यहां से आपको एच और के की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, और उसके बाद में आप इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर में पुट कर देंगे तो आपके पास में इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। इसको और क्लियर करते हैं एक एग्जांपल से। तो सपोज हमारे पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो वाई स्क्वेयर प्लस टू एक्स स्क्वेयर वाई डी एक्स प्लस टू एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई इंटू डी वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हमने जो केस पढ़ा उसके लिए आपको कौन सा फॉर्मेट होना चाहिए, समथिंग एक्स इंटू वाई की पावर्स इंटू सम कॉन्स्टेंट डी एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट इंटू वाई इंटू डी वाई प्लस, फिर इसी टाइप का फॉर्मेट होना चाहिए। मीन्स इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे डी एक्स और ये जो डी एक्स और डी वाई इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि तभी आपका ये जो डी एक्स डी वाई फिर से डी एक्स डी वाई आ रहा है उसी केस में आपका आ सकता है, ठीक है। तो एक बार हम इसको ओपन कर लेते हैं इस इक्वेशन को। तो ओपन करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा वाई स्क्वेयर डी एक्स प्लस टू एक्स स्क्वेयर वाई डी एक्स प्लस टू एक्स क्यूब डी वाई माइनस एक्स वाई डी वाई, ठीक है। अब हमें क्या है, डी एक्स और डी वाई इसको एक साथ लेना है। तो अब इस केस में आपको एक्स और वाई दोनों की पावर्स भी आपके साथ में आनी चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें और इस लास्ट वाले में वाई आपका कॉमन आ जाएगा, ठीक है, वाई कॉमन आ जाएगा। और हमें एक और फॉर्मेट क्या देखना चाहिए था कि डी एक्स के साथ में आपका वाई का मल्टीपल आना चाहिए और डी वाई के साथ में एक्स मल्टीप्लाई होना चाहिए, ठीक है। तो इस फैक्टर और इस फैक्टर को एक बार लेते हैं, तो इसमें आपका आ जाएगा y कॉमन ले लिया हमने, y dx एक्स माइनस
एक्स डी वाई, ये क्लोज हो गया प्लस, और अब ये दो फैक्टर आपके रह गए, तो यहां से आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर कॉमन आपने ले लिया और ये आपका हो जाएगा टू वाई डी एक्स प्लस टू एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे आपका x का पावर नहीं है तो x की पावर जीरो लिख सकते हैं y टू द पावर n, और सेकंड वाले में आप y की पावर जीरो लिख सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो आपका फॉर्मेट है ये कुछ इस टाइप का आ गया है जो हमने अभी देखा था। तो यहां से आप लोग a b r s m n m1 m n1 इन सब की वैल्यूज निकाल सकते हैं इससे कंपेयर करके, ठीक है, और उसके बाद में हम h और k के लिए सॉल्व कर सकते हैं, राइट। आप देख सकते हैं कि ये वाला जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में आया है। तो यहां से आप जो कंपेयर करके हम इन जो कॉन्स्टेंट्स हैं इनकी वैल्यू लिखेंगे, तो एक बार लिख लेते हैं कि आपके पास में यहाँ पे किस किस की वैल्यू क्या है। ओके, ए की वैल्यू जीरो आ गई, बी की वैल्यू वन आ गई, यहाँ पे जो था वो एम था तो एम की वैल्यू वन, एन की वैल्यू माइनस वन, फिर यहाँ पे आपका हमने आर और एस लिया था, आर की वैल्यू टू, एस की वैल्यू जीरो, एम वन की वैल्यू आपकी ये वाली थी टू, और एन वन की वैल्यू टू। आपके पास में जब हमने इनको इक्वेट किया तो आपकी ये वैल्यू आ गई। अब हमें एच और के किस टाइप से फाइंड आउट करने थे कि आपकी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ए प्लस एच प्लस वन अपोन में एम इक्वल टू बी प्लस के प्लस वन अपोन में एन। तो यहाँ पे आप अगर वैल्यू पुट करेंगे तो आपका हो जाएगा h प्लस वन अपॉन में m की वैल्यू वन है और b की वैल्यू वन है प्लस k प्लस वन अपॉन में इसकी वैल्यू माइनस वन है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो माइनस h माइनस वन इक्वल टू k प्लस में टू, ठीक है। तो यहाँ से आपकी आ गई k प्लस में h इक्वल टू, ये आपका हो गया माइनस थ्री। तो एक इक्वेशन आपकी ये आ गई, फिर दूसरी आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दूसरा आपका जो इक्वेशन आ जाएगा वो आपका आ जाएगा आर प्लस एम प्लस वन अपोन में, सॉरी एच आएगा यहाँ पे एम वन इक्वल टू एस प्लस के प्लस वन अपोन में एन वन। तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, आर की वैल्यू टू प्लस एच प्लस वन, एम वन की वैल्यू टू है आपकी और एस की वैल्यू जीरो है, तो के प्लस वन एन की वैल्यू, ये जो एन वन की वैल्यू है टू है। तो यहां से भी जब सॉल्व करेंगे तो टू से तो टू कैंसिल हो गया, तो एच माइनस के इक्वल टू आपका हो गया माइनस टू, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हैं एक और इक्वेशन आपके पास में आ गई। तो फर्स्ट और सेकेंड को जब आप सॉल्व करेंगे एच और के की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं और एच और के की वैल्यू आने के बाद में आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर एच इंटू वाई टू द पावर के, और उनसे आप मल्टीप्लाई करके उस इक्वेशन में देखेंगे तो आप देख सकेंगे कि वो आपका जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है। तो यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो एच की वैल्यू जो आ जाएगी, मुझे लग रहा है इसके से के कट गया टू एच, तो माइनस फाइव बाई टू आ जाएगी, ठीक है, और के की वैल्यू जो आएगी वो माइनस वन बाई टू हो जाएगी। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया वो आपका क्या हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स टू द पावर माइनस फाइव बाई टू इंटू वाई टू द पावर माइनस हाफ, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अब आपको चेक करना है क्या इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पे आपको जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपका एग्जैक्ट हो रहा है, अगर हो रहा है तो उसका सोल्यूशन क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे एक समराइज करते हैं, हमने कौन कौन सा केस पढ़ा है। सबसे पहले देखा था कि अगर आपके जो m और n दोनों होमोजेनियस फंक्शन हो रहे हो सेम डिग्री के, तो आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो रहा था वो किस टाइप का हो रहा था, वन अपॉन में एम एक्स प्लस एन वाई, ठीक है, जहां पे एम एक्स प्लस एन वाई आपका नॉन जीरो है। सेकेंड हमने पढ़ा था कि अगर हम m को y इंटू सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई और n को x इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई अगर लिख पा रहे हैं तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका हो रहा था एम एक्स माइनस एन वाई, ठीक है। थर्ड हमने पढ़ा था कि अगर आप डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स डिवाइडेड बाई एन, अगर आपका सिर्फ और सिर्फ एक्स का फंक्शन आ रहा है तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका ई टू द पावर इंटीग्रेशन फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स आ रहा था, और अगर आपका डेल एन अपॉन डेल एक्स
माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई डिवाइडेड बाई एम आपका अगर ओनली फंक्शन ऑफ वाई आ रहा था तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका ई टू द पावर इंटीग्रेशन फंक्शन ऑफ वाई इंटू डी वाई, ठीक है, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ रहा था। फिर अभी फोर्थ हमने पढ़ा जो एक्सप्रेशन था, अगर उस टाइप से हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका आएगा एक्स टू द पावर एच वाई टू द पावर के, और यहाँ पे एच और के को फाइंड आउट करने के लिए हमने जो कंडीशंस थी वो भी पढ़ ली थी, वहां से वो इक्वेशंस बनेंगी और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद में आपको एच और के की वैल्यूज पता चल जाएगी, ठीक है। तो ये था कि अगर आपके पास में डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है उसको एग्जैक्ट कैसे बनाएंगे, कौन से इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपकी एग्जैक्ट हो जाए। सो आप क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करिए। ओके, सो इसका एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं फटाफट। तो यहां पे क्या कह रहा है कि एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां पे ए भी आपके रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो ट्रू होगा, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है उससे हम अगर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो एग्जैक्ट बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो एम हो गया वो आपका हो गया 6y² प्लस axy, एन हो गया 6xy प्लस bx², ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके देखिए कि एग्जैक्ट बन रही है कि नहीं बन रही है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका हो गया x³y², राइट। सो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो m हो जाएगा वो हो जाएगा 6x³y⁴ प्लस ax⁴y³ और n जो हो गया 6x⁴y³ प्लस bx⁵y², ठीक है। ये आपका m हो गया और ये n हो गया। अब आप यहाँ पे डेल m अपॉन डेल x निकाल लीजिए, तो डेल m अपॉन डेल x आपका क्या हो जाएगा, सॉरी डेल एम अपॉन डेल वाई, तो आपका हो जाएगा 24x³y³ प्लस 3ax⁴y². ओके, और डेल एन अपॉन में डेल एक्स आपका हो जाएगा 24x³y³ प्लस यहां से करेंगे तो 5bx⁴y². अब क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट हो जाता है, तो एग्जैक्ट कब होता है, जब आपका डेल एम अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल एन अपॉन में डेल वाई हो, ठीक है। तो आप इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, तो आप इक्वेट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो x³y³ का जो कोफिशियंट है वो इक्वल है, तो x⁴y² जो है इसका कोफिशियंट भी इक्वल होना चाहिए, तो इसको इक्वल होने के लिए आपका क्या होगा 3a इक्वल टू होना चाहिए 5b, तो यहां से आपका हो जाएगा 3a - 5b = 0। तो अब देखिए कि कौन सा ऑप्शन है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ एक्स डीवाई बाई डी एक्स प्लस 3x + 1 × y = x (e⁻²x) इज, ऑप्शन है आपके x(e⁻³x), बी है 3x(e⁻²x), सी है आपका ऑप्शन x(e⁻²x), डी है x³e⁻X, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसको आप लोग ट्राई करें। तो यहाँ पे आपको सिंपली इसका क्या करना था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना था, राइट। सो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर x से दोनों तरफ आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3x + 1 / x, और इस x से x कैंसिल हो गया, तो ये आपका फॉर्मेट क्या हो गया, dy/dx प्लस समथिंग फंक्शन ऑफ x इंटू वाई समथिंग फंक्शन ऑफ x। इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो आपका होता है e⁻²fx(dx), बस इतना ही है आपका यहाँ पे। ओके, सो क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ इक्वेशन, आपको इक्वेशन दिया हुआ है y + y³/3 + x² / 2 dx
प्लस 1/4 इंटू एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वेयर इंटू डी वाई इक्वल टू जीरो। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या होगा? ऑप्शन है आपके एक्स स्क्वेयर, थ्री लॉग ई एक्स, सी है आपका एक्स क्यूब और डी है टू लॉग एक्स। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको फाइंड आउट करना है। सो इसमें आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो आपको हमने तीन चार केसेस यहाँ पे सॉल्व किए थे। तो सबसे पहला केस आपने पढ़ा था कि अगर होमोजीनियस हो, तो यहां से आप देख सकते हैं कि होमोजीनियस होने के लिए आपको समथिंग डिग्री ऑफ एक्स एन इंटू फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स होना चाहिए। बट यहाँ पे आपका इस टाइप का कोई भी फॉर्मेट आएगा नहीं, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे होमोजीनियस वाला लगेगा नहीं। सेकेंड केस हमने पढ़ा था कि आपका ये या तो डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स अपॉन में एम या अपॉन में एन, जो आपका या तो ओनली फंक्शन ऑफ एक्स ओनली फंक्शन ऑफ वाई होना चाहिए, राइट। सो उसमें आप कौन सा मेथड लगेगा उसमें आपको चेक करना पड़ेगा। फिर एक और हमने पढ़ा था कि अगर हम इसको समथिंग वाई इंटू फंक्शन ऑफ वाई एक्स और इसको एक्स इंटू फंक्शन ऑफ वाई एक्स लिख पाए, ठीक है, तो ये वाला केस भी आपका यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो आपका जो चेक करना रह गया, आप लोग डेल एम अपॉन डेल एक्स निकाल लीजिए। तो डेल एम अपॉन डेल एक्स निकालेंगे तो आप सॉरी डेल एम अपॉन में डेल वाई, तो यहां से आप देख सकते हैं वन प्लस थ्री वाई स्क्वायर, थ्री से थ्री कैंसिल हो गया तो वाई स्क्वायर हो गया, और डेल एन अपॉन में डेल एक्स आपका जो हो गया वो आपका हो गया वन बाई फोर, और यहां से आपका हो गया प्लस वाई स्क्वायर, राइट। सो अब आप यहाँ पे देख लीजिए कि या तो m में से y माइनस इस m वाले से n माइनस करेंगे या तो n से m माइनस करेंगे, तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 3/4, और इसमें से भी किसी में से भी माइनस करेंगे, अगर मैं कर रही हूँ यहाँ पे 1 माइनस मतलब डेल m अपॉन डेल y माइनस डेल n अपॉन डेल x कर रही हूँ, 3/4 और प्लस में 3/4 वाई स्क्वेयर, तो यहां से आपका हो जाएगा 3/4 इंटू 1 प्लस y स्क्वायर, और अगर डेल n अपॉन डेल x माइनस डेल m अपॉन डेल y करेंगे तो यहाँ पे माइनस कॉमन आ जाएगा आपका, ठीक है, सिर्फ इतना ही फर्क रहेगा। अब इसमें किस में से डिवाइड करेंगे तो आपका ओनली फंक्शन बचेगा, तो यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि अगर m से डिवाइड करेंगे तो y भी है x भी है, तो यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं होगा, बट यहाँ पे अगर आप लोग गौर से देखेंगे तो इसको आप 1/4 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर इस टाइप से लिख पा सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब इसमें आप n से डिवाइड करेंगे तो x बाई फोर इंटू वन प्लस वाई स्क्वायर, तो ये वन वाई स्क्वायर वाई वन प्लस वाई स्क्वायर कट जाएगा, इससे ये कट गया, तो ये आपका बच गया 3/x, जो ओनली फंक्शन ऑफ x बच गया। तो अब इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन 3x 3/x इंटू dx, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो बस आपको मेनली पहचानना है कि कहाँ पे कौन सा आपका मेथड अप्लाई होगा। हमने पढ़ा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपका जो फॉर्मेट था वो आपका क्या हो रहा था, dy by dx प्लस समथिंग फंक्शन ऑफ x इंटू y इक्वल टू qx, राइट, इस टाइप से हो रहा था। बट इसमें तो हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया था कि सीधा सीधा इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, और फिर एक हमने सॉल्यूशन देखा था कि इस टाइप से फाइंड आउट कर लेंगे। बट अगर आपके पास में डायरेक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ना देके कुछ इस टाइप से दे दे कि आप उसको रिड्यूस कर सके, ठीक है, तो अब वो क्या फॉर्मेट हो सकता है जिसमें हम रिड्यूस कर सकते हैं, तो अगर आपको कुछ इस टाइप का दिया हुआ है एफ डैश अपॉन में वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस समथिंग फंक्शन ऑफ वाई इंटू समथिंग फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू क्यू एक्स, अगर ये फॉर्मेट आपको दिया हुआ है तो इसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। अब वो कैसे रिड्यूस करेंगे, ये जो फंक्शन ऑफ वाई है और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव मिल रहा है हमें, तो इसको हम कुछ टी मान लेंगे, ठीक है, एफ वाई को मैंने मान लिया टी, ठीक है, अब इसको टी मान लिया, और वाई यहाँ पे आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स इंडिपेंडेंट है,
तो हम दोनों तरफ से x से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो x से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, एफ डैश वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन में डी एक्स। ठीक है, तो अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो है इसकी वैल्यू हमें कुछ डी टी अपॉन में डी एक्स मिल गया, तो पुट कर दीजिए तो आपका हो जाएगा डी टी अपॉन में डी एक्स प्लस में फंक्शन ऑफ वाई को हमने टी माना था समथिंग फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर इस चीज से आप इसको वेरीफाई करेंगे इक्वेट करेंगे तो ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, जहां पे टी आपका एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल काम कर रहा है और एक्स एज ए इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे सिंपली अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या हो जाएगा, ई टू द पावर पी एक्स डी एक्स, और फिर इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा आपका, जो नॉर्मली हम लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करते हैं उस टाइप से, तो इसका सॉल्यूशन आपका हो जाएगा, अब यहाँ पे y की जगह t एज ए डिपेंडेंट काम कर रहा है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा t इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस में समथिंग कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब जब ये आपसे आपका आंसर आ गया तो t की जो वैल्यू आपने निकाली थी, जो लिखी थी आपने t की वैल्यू, वो आप इसमें पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करिए इससे रिलेटेड आप लोग। तो क्वेश्चन है आपका डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस वाई इंटू लॉग वाई अपॉन में एक्स इक्वल टू वाई लॉग वाई का स्केयर अपॉन में एक्स स्केयर। तो अब हमें यहाँ पे जो पहचानना होगा वो क्या ये रिड्यूसिबल है टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो हमने क्या फॉर्मेट देखा था कि किस टाइप का अगर आपके पास में फॉर्मेट है तो उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, तो वो हमने देखा था कि आपके जो dy वाई बाय डी एक्स है इसके साथ में फंक्शन ऑफ वाई जो है उसका डेरिवेटिव होना चाहिए, पी एक्स के साथ में कुछ फंक्शन ऑफ वाई होना चाहिए जिसका डेरिवेटिव हमारे पास में dy वाई बाय डी एक्स के साथ में होगा और इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो इस फॉर्मेट से अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे जो आपका y इंटू लॉग y का स्क्वायर, इससे अगर हम लोग इस इक्वेशन में दोनों तरफ से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, एक बार डिवाइड करके देखते हैं क्या हमें जो हमें फॉर्मेट चाहिए वो हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, सो इससे डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा वन अपॉन में वाई इंटू लॉग वाई का स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस, इससे डिवाइड करेंगे वाई से तो वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा वन अपॉन लॉग वाई इंटू वन बाई एक्स इक्वल टू वन अपॉन में एक्स स्क्वायर। इससे क्यों डिवाइड किया, क्योंकि इसके अगर इसको हम एक साइड कर दें तो ये सिर्फ फंक्शन ऑफ x बच रहा है, इसका मतलब यही चीज हमारे पास एक्स्ट्रा हो रही है, इससे दोनों तरफ डिवाइड कर दिया तो अब हमारा समथिंग फॉर्मेट जो हम चाह रहे थे उस टाइप का मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो dy बाई dx के साथ में हमारे पास फंक्शन होना, डेरिवेटिव होना चाहिए फंक्शन ऑफ y का, जो फंक्शन ऑफ y आपका x के फंक्शन के साथ में आना चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो एफ वाई है वो आपका हो गया वन अपॉन में लॉग वाई। तो अब आपको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या इसका डेरिवेटिव dy बाई dx के साथ में आ रहा है, इसका डेरिवेटिव आप करेंगे तो वन अपॉन लॉग वाई का क्या हो जाएगा, वन अपॉन लॉग वाई का स्क्वायर और लॉग वाई का वन अपॉन में वाई, वन अपॉन लॉग वाई जो है इसको कुछ टी मानेंगे, तो यहां से आपका जो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका जो निकल के आएगा माइनस वन अपॉन में लॉग वाई का स्क्वायर इंटू वाई। ठीक है, dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन में dx। तो यहाँ पे यहाँ जो इसकी जगह आप माइनस डी टी अपॉन में dx रख सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं होगा आपको। इस इक्वेशन से अगर हम लोग यहाँ पे पुट करना चाहें तो ये आपका माइनस डी टी अपॉन में dx ओके प्लस वन अपॉन लॉग वाई को हमने t माना था इंटू वन बाई एक्स इक्वल टू वन अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये आपका फॉर्मेट बन गया। तो यहां से आप माइनस अगर कॉमन लेके लेंगे तो डी टी अपॉन डी एक्स माइनस टी इंटू वन बाई एक्स
इक्वल टू माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका जो पी एक्स हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस वन बाई एक्स, क्यू एक्स हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। और अब आप आगे जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम जिस टाइप से सोल्व करते हैं उस टाइप से सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका आ जाएगा वो आ जाएगा ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन बाई एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये आपका वन बाई एक्स आ जाएगा और अब आप सोल्व कर सकते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर को पुट करके। तो आपका जो सोल्यूशन आ जाएगा वो आ जाएगा टी इंटू दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस क्यू एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस सी। वहां से आप इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, फिर जो टी की वैल्यू आएगी उसको हम पुट कर देंगे। तो यहाँ से टी इंटू वन बाई एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई एक्स स्क्वेयर इंटू माइनस एक्स स्क्वेयर ओके डी एक्स प्लस में सी। तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया आपके पास में, ये आपका वन अपॉन एक्स क्यूब बच जाएगा डी एक्स प्लस सी, और इसका आप इंटीग्रेशन नॉर्मली कर सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन आपका जो हो जाएगा एक्स टू द पावर माइनस थ्री प्लस वन मीन्स माइनस वन बाई टू एक्स स्क्वेयर, सॉरी एक्स स्क्वेयर नीचे आएगा। बिल्कुल वन बाई एक्स है, ओके मैंने माइनस कर दिया है, ओके सो इसको हम मिटा देते हैं। अब यहाँ पे माइनस आ गया तो ये आपका हो जाएगा, जो माइनस आएगा वो कैंसिल हो जाएगा, तो वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस में समथिंग कॉन्स्टेंट आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो मेनली जो आ गया आपका, इसको हम थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं। तो जो सोल्यूशन आपका आया वो आया टी इंटू वन बाई एक्स इक्वल टू वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आपका सॉल्यूशन आ गया। अब इसमें जो टी है उसके आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। टी को हमने माना था वन अपॉन में लॉग वाई, राइट, वन अपॉन में लॉग वाई इंटू वन अपॉन में एक्स इक्वल टू वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस में सी। इस एक्स को आप चाहे तो दूसरी साइड भेज सकते हैं या फिर ऐसे ही रख सकते हैं। सो नेक्स्ट है आपका बर्नौली इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन। तो बर्नौली इक्वेशन का एक फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट क्या होता है, dy by dx प्लस समथिंग फंक्शन ऑफ x इंटू y इक्वल टू y टू द पावर n qx। तो ये आप देख सकते हैं सिमिलर टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही होता है, बट यहाँ पे क्या होता है क्यू एक्स के साथ में y टू द पावर n आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे n जो है वो जीरो और वन के इक्वल नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि अगर n इक्वल टू जीरो हुआ तो वो आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही बन जाता है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मेट है आपका, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं बर्नौली इक्वेशन, राइट। अब इसमें इसका जो सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे वो हम किस टाइप से करेंगे, सिमिलरली जो अभी हमने किस टाइप से रिड्यूस कर सकते हैं, जो हमने मेथड देखा था उसी टाइप से। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाई एन से जो है डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ, तो ये आपका हो जाएगा वाई अपॉन वाई एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस वन अपॉन वाई टू द पावर एन माइनस वन समथिंग फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू क्यू एक्स। तो अब आप अगर यहाँ पे देख पा रहे हैं तो ये जो है इसी का डेरिवेटिव यहां पे आ रहा है, ठीक है, सिर्फ वन माइनस एन जो है उसकी कमी है, तो उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि वो एक कांस्टेंट है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो किस टाइप से हो जाएगा, आप इस जो वन अपॉन वाई टू द पावर एन माइनस वन है इसको समथिंग टी मान लीजिए। तो यहां से जब आप इसको डेरिवेटिव करके निकालेंगे तो जो डेरिवेटिव आएगा वो क्या आ जाएगा आपका, वन माइनस एन इंटू वाई टू वन अपॉन वाई टू द पावर एन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन में डी एक्स। तो ये जो चीज है आपका यहाँ पे सिमिलर ये मिल गया, तो इसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, डी टी अपॉन में डी एक्स वन अपॉन में वन माइनस एन प्लस वन अपॉन वन वाई टू द पावर एन माइनस वन को हमने टी माना था, टी इंटू पी एक्स इक्वल टू क्यू एक्स, ठीक है। तो अब ये वन अपॉन वन माइनस एन तो आपका एक कॉन्स्टेंट है,
तो इसको तो हम एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस एन समथिंग पावर फंक्शन ऑफ एक्स इंटू टी इक्वल टू 1 माइनस एन क्यू एक्स। अब आप देख सकते हैं कि ये जो फॉर्मेट है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, और यहाँ से हम इजीली जो है इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं एज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स इन टू वाई टू द पावर 3। तो अब यहाँ पे जो n है वो 3 है आपका, बाकी तो सारा आपका सेम जो है फॉर्मेट है। तो यहाँ पे इसको डिवाइड करिए तो आपका हो जाएगा 1 अपॉन वाई स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन में वाई स्क्वेयर इक्वल टू एक्स, सॉरी क्यूब आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें कौन से ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना पड़ेगा, 1 अपॉन वाई स्क्वेयर को आप टी मान लीजिए। ठीक है, तो 1 अपॉन वाई स्क्वेयर को जब आपने टी माना तो यहां से आपका हो जाएगा 1 अपॉन में वाई टू द पावर क्यूब और माइनस 2 आपका मल्टीप्लाई में हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन में डी एक्स। अब डी टी अपॉन डी एक्स जो है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये जो चीज आ गई आपकी, इसकी वैल्यू आपकी क्या आ गई, डी टी अपॉन डी एक्स इंटू माइनस 1/2, इसकी जगह पुट कर देना है और 1 अपॉन वाई स्क्वायर की जगह टी पुट कर देना हो, और यहाँ से आपका जो आ जाएगा ये आ जाएगा माइनस 1/2 डी टी अपॉन में डी एक्स प्लस में टी इक्वल टू एक्स। ठीक है, और ये माइनस 1/2 तो आपका कॉन्स्टेंट है, तो इसको एलसीएम लेके हम इस साइड दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका जो मेन जो इक्वेशन निकल के आएगी वो आपकी निकल के आ जाएगी डी टी अपॉन में डी एक्स, और माइनस भी हम साथ साथ कॉमन ले लेंगे, माइनस 2t इक्वल टू माइनस 2x। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको एज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो सोल्व करते हैं वैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के सोल्व कर लेना है। ठीक है, तो यहां तक हमने देख लिया कि आपका जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम उसमें कैसे रिड्यूस कर सकते हैं गिवन फॉर्मेट को, और उसी जो मेथड है उस पे आपका बेस था बर्नौली इक्वेशन का सॉल्यूशन। ठीक है,